क्वेश्चंस को पहले ठीक से देखना है, क्वेश्चंस को पहले ठीक से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। ठीक, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। डी होगा इसका, पॉइंट पार्टिकल्स भी होते हैं और रिजिड भी होते हैं। जल्दबाजी आप लोग कर रहे हो, हर हर बार मैं आपको समझाता हूँ कि ऑप्शंस पहले सारे अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद आंसर करना है। पहला ऑप्शन सही में, पहला ऑप्शन सही मिलते ही आप लोग टिक मार देते। ठीक है, इस गलती को मत करो, बार बार रहो यही गलती। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना बताया तो था क्लास में बेटा, पॉइंट पार्टिकल्स भी होते हैं और वो रिजिड भी होते हैं, कंप्रेसिबल नहीं होते ना, उनका जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। सॉरी, ए एंड बी नहीं, गलत हो गया, मैंने ऑप्शंस गलत लिख दिए, ए एंड सी होगा वहां पे। ठीक, ये सी होगा, वो टाइपो हो गया है, ए एंड सी। ठीक है, ए एंड सी, वो टाइपिंग में गड़बड़ हो गया। ठीक है अभिनव, पॉइंट पार्टिकल्स एंड रिजिड, ठीक है ना। चल नेक्स्ट। तब तो कई मार रहे हो क्या? ठीक बताया गया ना आपको कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरह का फोर्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, ऊपर लिखा हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, तो कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपको बताया था मैंने। केवल फोर्स कब लगता है? जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। ठीक, एक्चुअल में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, लेकिन जो काइनेटिक थ्योरी के एजम्पशंस हैं उनके हिसाब से कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। जीरो टू इंफिनिटी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
आवाज आ रही है? ठीक है, इसका ए हो जाएगा 1/3 रो वी स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टी हो जाएगा इसका, पी वी इक्वल्स टू होता है 2/3 एन ई, है ना, सिंगल गैस मॉलिक्यूल है तो एन इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, यूनिट वॉल्यूम है तो वी इक्वल टू 1 हो गया, ई इक्वल्स टू आ जाता है यहाँ से 3/2 पी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओनली काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स तो है नहीं, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब जब कोई आपस में फोर्स ही नहीं है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी को चाहिए। नेक्स्ट बताओ। अब ये भी किया, कोई फोर्स है ही नहीं आपस में, ना तो रिपल्शन का है और ना ही अट्रैक्शन का है। केवल फोर्स कब लगता है? जब वो आपस में आके एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, ठीक, और उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, कोलिजन के टाइम ही फोर्स लगेगा, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। बोल्ट्समैन कांस्टेंट की वैल्यू, वैसे तो कांस्टेंट की वैल्यू पूछी नहीं जाती, फिर भी एकदम 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 थोड़ा रैंडमली याद हो जाए इसलिए रख दिया है। बी हो जाएगा 1.38 × 10⁻²³ जूल पर केल्विन। यूनिट कैसे याद रहेगी? क्योंकि एनर्जी की यूनिट होती है कभी कभी केबीटी के टर्म्स में। ठीक है, कॉन्स्टेंट साथ में कुछ भी आ जाए, यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा? केबीटी। तो ये हो गया जूल, जूल इक्वल टू बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट इंटू कैलविन। तो बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट की यूनिट हमेशा क्या होगी? जूल पर कैलविन। ठीक है ना, ये बताओ। अच्छा, बी होगा इसका, ठीक है, चलिए ये तो सब याद करने वाला आइटम है। नेक्स्ट आ जाओ। फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ए हो जाएगा इसका 1/2 KBT। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन क्लास में आप लोगों ने गलत करवा दिया था मुझसे। मैंने ऑक्सीजन का आपसे पूछा था मॉलिक्यूलर वेट, है ना, और आपने मुझे कितना बता दिया था? 16। 16 तो बेटा उसका एटॉमिक वेट है ना। मॉलिकुलर वेट कितना होगा? उसमें दो ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन का मतलब 16 × 2 हो गया, 32 होता है उसका मॉलिकुलर वेट।
ठीक है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल्स होंगे? एन इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट अपॉन वेट, ठीक है, ये हो जाएगा 32/32, 1 मोल होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लास में आपने गलत करा दिया, मैंने पूछा था मॉलिकुलर वेट, आपने मुझे 16 बता दिया था, मुझे तो याद रहती नहीं ये चीजें। ठीक है, तो एटॉमिक वेट और मॉलिकुलर वेट में फर्क ध्यान रखो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को एग्जाम में। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? T बाई 2 के भी थी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, इसको मैंने बताया था कि मोस्ट प्रोबेबल और एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 के बी थी। चलो इधर आ जाओ। पूछ बेटा ध्यान से देखो, जल्दबाजी नहीं करनी, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, निखिल ए नहीं है बेटा, ये 2/F है ना, और आता क्या है, एफ अपॉन 2 आता है। ठीक, ये माइन्यूट सी चीजें भी देखनी है, इतनी जल्दबाजी नहीं। ये बताओ, अच्छा अब आ जाएगा 2/F है ना, 1+2/F। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। रेशियो, राशन लिख दिया रेशियो। ऑक्सीजन वाला बता दें, O2 था ना बेटा। ऑक्सीजन एटम कैसा दिखता है? 8O16, ये एटम है, और मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। ठीक, तो टोटल वेट उसका कितना हो गया, 16 × 2 = 32। ठीक, तो 32 ग्राम्स में कितने मोल्स हो गए? सिंगल मोल ही तो हुआ, 1 मोल होगा, तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 6.03 × 10²23। ठीक है विनव, क्लास में गलत हो गया था, मैंने आपसे पूछा था और मुझे किसी ने 16 बता दिया था मॉलिक्यूलर वेट, और मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था। हाँ, ये वाला था 1/1। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अगर 2 गैसेस हैं जिनकी नंबर ऑफ एटम्स सेम है, O2 है और ये H2 है, ठीक है, एनर्जी इनकी सेम होगी, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, F/2 kBT। ठीक है, एफ और टी अगर सेम है तो एनर्जी सेम होगी।
मॉलिक्यूल होगा। एटम वैसे तो स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन वो फ्री नहीं मिलेगा आपको, फ्री एटम देखने को कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है तो हो जाएगा एटम, लेकिन पूछा जाए कि फ्री स्टेट में कौन सी एग्जिस्ट कर सकती है तो वो मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ईवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ है, नो कंफ्यूजन। चलो नेक्स्ट आ जाओ। वी प्रोपोर्शनल टू टी, चलो मान लिया, चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट आ जाओ। सी बी हो गया, सी डाल्टन है ना, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। डाल्टन, ये बताओ। अच्छा, कौन सा हो जाएगा? ये वाला होगा ना, पीवी। बल्ब्स में हम क्या बनाने होते हैं? आइसोथर्म्स बनाने होते हैं। तो ये तो यार पूरा सेमेस्टर हो गया बनाते हुए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ठीक, तो ये हो जाएगा सी। ठीक है ना, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? पीवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, ठीक, टेम्परेचर बढ़ा तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये भी बढ़ेगा, इसका मतलब हम इस तरफ जाएंगे, तो टी वन इज ग्रेटर देन टी टू। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चार्ल्स लॉ कौन सा है? वी प्रोपोर्शनल टू टी, वी प्रोपोर्शनल टू, वी इक्वल्स टू के टी कह सकते हैं। तो ये कैसा हो गया? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया। स्ट्रेट लाइन कौन सा है इसमें से? ए है। के यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बस मान लेना। चलो तो मैं के हटा ही देता हूँ, के की जगह पे कर लेते हैं कुछ और, सी। चलो ये भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल वी की जगह पे इसमें पी है। ठीक
बताया था अच्छे से, क्लॉकवाइज जाएंगे तो बढ़ेगा। नेक्स्ट, ठीक है, वेरी गुड। दो टर्म्स थी, वी स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल माइनस बी वी स्क्वायर। ये डोमिनेट करेगा लोअर वैल्यूज पे, ये डोमिनेट करेगा हायर वैल्यूज पे, ठीक है। तो फिर कर्व किस तरह से बन जाएगा? लोअर वैल्यूज के रहेगा वी स्क्वायर जैसा, और हायर वैल्यूज के लिए रहेगा एक्सपोनेंशियल डिके। तो ओवरऑल कर्व हमारा कुछ इस तरह का बन जाए। ये कल की क्लास में तो करा है? अच्छा, कल की क्लास तुमने ली नहीं थी। रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, समझ में आ जाए। इसका हो गया डी। पहला हो गया रेड वाला ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। डी हो गया, फ्लैट हो जाता है और ब्रॉड हो जाता है और राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अगर पहले ऐसा था, ये T1 पे था, तो T2 पे कैसा हो जाएगा? इस तरह का, ठीक है। फ्लैट हो गया, थोड़ा ब्रॉड हो गया और राइट की तरफ को शिफ्ट हो गया, वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई इस तरह, एवरेज वेलोसिटी। चलो नेक्स्ट, उसी को ग्राफिकल फॉर्म में पूछा है। बी हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लैट होगा और राइट की तरफ शिफ्ट होगा, तो T2 बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें दो ऑप्शन सही हैं, बी सही है और सी सही है, ठीक है। क्योंकि 8/π का वैल्यू क्या होता है? 2.55, ठीक है ना। दोनों मैंने दिए अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि एग्जाम में कोई सा वैल्यू भी दे सकते हैं, वो 8/π भी दे सकते हैं और 2.55 भी लिख के दे सकते हैं। के भी नहीं, अच्छा वो के भी लिखने से रह गया, जल्दी जल्दी बनाया ना बेटा तो मिस्टेक है थोड़ी। के भी हो गया, लो लिख दिया, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मैं चेक करने का मौका नहीं मिला ना आज मुझे, अभी मैं 11 बजे जैसे से मैंने निपटाया है, इसलिए थोड़ी सी गलतियां रह गई हैं, ठीक है ना। बी एंड सी बोथ। हेलो, ठीक है, नेक्स्ट।
स्क्रीन शो हो रही है। हाँ ओके, ए हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर 3 KBT अपॉन एम, है ना। ये हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट। मोस्ट प्रोबेबल क्या हो जाएगा, 2 KBT अपॉन एम। मोस्ट प्रोबेबल निकाला किस तरह से गया है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, उसी मैक्सिमा को हम क्या बोल देंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फंक्शन का हमें मैक्सिमम निकालना है, उसी को बोल देंगे मोस्ट प्रोबेबल। ये बताओ। अच्छा डी, प्रियांशु को कंफ्यूजन हो गया है ना। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, उसी को दूसरे वर्ड्स में बोल दिया है। जिस स्पीड के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसी स्पीड में तो मिलेंगे। क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। पी टी होता है अंदर, और उसमें क्या होता है अंदर, 2.55, और मोस्ट प्रोबेबल में क्या होता है, 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डी वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, अंडर रूट गामा पी बाई पी अपॉन रो होता है, रो अपॉन पी होता है। बताना जरा यार, मैं भूल जाता हूँ। पी अपॉन रो होता है ना। हाँ सही है, तो प्रेशर की जगह पे रख दो गामा 1/3 रो वी स्क्वायर। रो से रो कैंसिल हो गया, तो वी एस अपॉन आ गया गामा वाई थ्री। डी, चलो थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं, 3-4 जिस तरह के आ सकते हैं उस तरह का मैंने एक डाल दिया। कर लो आराम से, जो लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं। आपने निकाल लिया क्या,
चलो मान लेते हैं यार, स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 460 मीटर 0 डिग्री सेल्सियस। वी आर एम एस क्या होता है? अंडर रूट पी के वी टी बाई एम। ठीक है, डिपेंडेंस पे पूछी गई है यहाँ पे, टेम्परेचर पे पूछी गई, तो बाकी सब हटा दिया। तो वी पहले तो लिख दिया किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस। अंडर रूट ऊपर क्या आ जाएगा, 273। नीचे लिख दिया 40 डिग्री सेल्सियस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 240। तो ये बन गया 273 भाई 313। तो वी 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू अंडर रूट 313 डिवाइड बाई 270 इंटू वी 0 डिग्री सेल्सियस। वी 0 डिग्री कितना, 460। इसका वैल्यू है 1.0, तो ये आ गया 492 पर। ठीक है, चलो ऑक्सीजन का दिया हुआ है, पूछा किसका है, हीलियम का। V अपॉन VO2। ठीक है, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, हीलियम का नीचे मॉलिक्यूल आ जाएगा। हीलियम का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 4। ठीक है, 8 क्या है बेटा, 4 कंफ्यूज कर रहा तुम लोग, 4 है ना यहाँ पे। ऑक्सीजन के लिए क्या आ जाएगा, 32, 4 8 32। तो वी एच ई आ गया VO2 इंटू 2√2। ठीक है, ये दिया हुआ है 492.5 इंटू 2√2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, अरे 2√2 से ही कर लेना, यही आएगा। बाकी सब तो कम है ना, 192 से केवल यही ज़्यादा है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, हमेशा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं होती, नज़र डाल लेना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो हैं 492.5 के या तो बराबर है या फिर कम है, ज़्यादा वाला केवल एक ही है, तो वही सही हो गया। चलो ये बता दो, वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे 3 आता है, प्रोबेबल में क्या आता है नीचे, रूट 2। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल क्या हो जाएगी, वी आर एम एस इंटू अंडर रूट 2/3। अब 2/3 की वैल्यू निकालो, ये वो मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, देखो कौन सा आ रहा है, बी या सी। सी आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे, लास्ट।
जल्दबाजी नहीं। हाँ लोग उल्टे सीधे आंसर क्यों दे रहे हो? थोड़ा आराम से निकालो जरा इसको। लंबी सांस लो आराम से और निकालो इसको। लास्ट क्वेश्चन है। पूरा फॉर्मूला लिखो फिर आराम से निकालो। हाँ, 600 केल्विन। ये क्वेश्चन गलत बना दिया क्या मैंने? कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच द आरएमएस स्पीड आता है काउंटर्स। आरएमएस क्या? वी आरएमएस और टेम्परेचर में क्या प्रोपोर्शनलिटी है? √T। तो वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन ये हो गया टी टेम्परेचर और ये हो गया 4 RMS क्योंकि ट्वाइस हुआ है। ऊपर वाला टेम्परेचर कौन सा था? रूम टेम्परेचर। ये हो जाएगा 300 केल्विन। नीचे वाला हमें निकालना है, इससे ये कैंसिल हो गया। टी इक्वल टू आ गया 1200। 1200 कह लो या फिर 1200 - 273 डिग्री सेल्सियस। कितना हो? 927 डिग्री सेल्सियस। नहीं है डी और ए। डी और ए दोनों सही हैं। देखो 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। कितना टाइम लगा? 40 मिनट। कुछ नहीं बेटा, वो मजाक कर रहा है। इसलिए एग्जाम में आपके पास 3 घंटे हैं और केवल 75 क्वेश्चन करने हैं। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अच्छी तरह से करना, ठीक? कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करनी। चलो ठीक है। और जो मैंने बोला था कि मल्टीमीटर और सीआरओ वाले, वो मैं बनाने से रह गया क्योंकि टाइम नहीं मुझे मिल पाया। ठीक है, ये बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, तो बना नहीं पाया मैं आज। नेक्स्ट जब जब करेंगे एमसीक्यू नेक्स्ट टाइम पे, तब उसको बना लेंगे। मंडे से नहीं खुल रहा बेटा, ट्यूसडे से खुल रहा है। और ट्यूसडे में भी आपको आना है या नहीं आना है वो आपको बता दिया जाएगा। और आना है तो लैब में आना है या फिर क्लास में आना है, ये भी बता दिया जाएगा। क्लास में तो शायद अवेलेबिलिटी है नहीं क्योंकि एग्जाम्स लगातार चल रहे हैं, वो भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, तो रूम्स तो खाली मिलने नहीं है। अगर बुलाएंगे तो सीधे लैब में बुलाएंगे, ठीक है? और आप लोग ग्रुप्स अपने जो भी था, प्रेजेंट करने वाले जो भी लोग हैं वो डिसाइड कर लो जल्दी से। जिस दिन कॉलेज खुलेगा उस दिन देख लेंगे बाकी का क्या क्या करना है, कैसे करना है। मान के चलते हैं कॉलेज खुलने के बाद हम लोगों को 20 दिन तो मिल ही जाएंगे, तो फिर कोई जल्दबाजी की बात है नहीं है। ठीक
एग्जाम की लास्ट डेट क्या है आपकी फॉर्म की? एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट होने की लास्ट डेट क्या है? कॉलेज में सबमिट होने की 12 है। अच्छा, 12 सबमिशन की अप्रूवल की थी, 12 या 13-14 होगी, उसके 15 दिन मान लो, जुलाई लास्ट से पहले तो नहीं होना एग्जाम, जुलाई लास्ट वीक या का पहला वीक, ठीक है? तो ठीक ठाक टाइम है, प्रैक्टिकल आराम से हो जाए, दिक्कत नहीं। और सारे प्रैक्टिकल ऐसे हैं कि आप लोग चाहो एक दिन में दो दो तीन तीन प्रैक्टिकल कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे बहुत इजी हैं, कुछ भी नहीं करना उनमें। सेटअप बने बनाए रखे हैं लैब में, आपको केवल जाना है, वोल्टेज या करंट को वेरी करा के अलग अलग डेटा लेना है और कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर देना, ठीक है? बहुत सिंपल है, ठीक है? चलो फिर परसों मिलते हैं, कल संडे है ना? तो फिर नेक्स्ट यूनिट हम लोग, जो हमारी लास्ट यूनिट बची है, वो स्टार्ट करेंगे परसों, और वो भी मैक्सिमम 3 या 4 दिन लगेंगे उसमें भी, और वो खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे, केवल प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी एमसीक्यूज रह गए हैं जितने भी यूनिट्स के, वो सारे एक एक करके कर लेंगे, ठीक है?